Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well. Welcome back to another video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. क्या हाल है? तो क्या हुआ, इतनी खुशी किस चीज की है? हमारा नया रूम सेट होने जा रहा है फाइनली. इतने टाइम से हमने चीजें ऑर्डर की थी, फाइनली आ गई हैं. और ये वाला कॉर्नर, ये जो चीज अभी अभी आपको मैं रूम दिखाता हूँ सारा, इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है. ये चीजें आ जानी थी काफी देर पहले की. मिराल, कीप योर माउथ ओके, वीडियो में आलू. अच्छा तो हम अपना रूम को रेनोवेट करने वाले थे. रेनोवेट करने वाले थे, अभी तो फिलहाल ये पेंटिंग्स भी लग गई हैं. सिर्फ ये पेंटिंग लगाई है, इसके बाद बाकी सारा रूम सिंपल सा. ये एक दो कुर्सियां पड़ी हैं, कंसोल वगैरह, बाकी कुछ भी खास रूम में नहीं. के लिए थी, अभी हम यहाँ से उठाने लगे हैं क्योंकि ये मेरा फाइनली मेरे रूम में एक चीज मिसिंग है. आप लोगों ने गेस ही नहीं किया. क्या मिसिंग है? रूम में मिरर ही नहीं था जब से हम शिफ्ट हुए हैं. हमारे पूरे रूम में एक भी मिरर नहीं था कि सुबह उठे तो हम अपनी शक्लें उसमें देख सके. एक भी मिरर उसमें नहीं था, तो अब हमने थोड़ा सा रेनोवेट करना. उसमें हमने फुल लेंथ मिरर लेके आए हैं. काफी चीजें, हमारा मजा आने वाला है इस वीडियो में. कभी मैं आपको रूम दिखाता हूँ पहले कैसा था और अब इस रेनोवेशन के बाद सारा कुछ साथ साथ दिखाते रहता हूँ. ओके, बेसिकली अपना पूरा रूम रेनोवेट नहीं करना, हम सिर्फ चाह रहे हैं कि हमारा ये वाला कॉर्नर रेनोवेट हो जाए क्योंकि बाकी साइज इतना बड़ा नहीं है रूम का. तो ज्यादा चीजें रखेंगे तो ज्यादा वो कहते हैं ना गुंजन फट जाते हैं, तो इसलिए हम लिमिटेड चीजें रखते हैं. गुंजन, अच्छा गुंजन मतलब कि वो जो भी है. तो बस हम पहले ये अपना कॉर्नर सेट करेंगे, उसके बाद ये इस चीज की स्पेस देखते हैं कहाँ लगनी है. नीचे से सामान लेके आते हैं, उसको भी कहीं लगाते हैं. ओके मीरू, मेरी हेल्प करोगी? प्रॉमिस. ओके प्रॉमिस. क्यों खाई थी मेडिसन? नहीं, क्यों खाई थी? नींद आ रही थी आपके, लेग्स पेन हो रही थी जंपिंग कर करके. ऐसे ऊपर नीचे जंपिंग वाला मैच था ही तो बोला. ओए मैं ऐसे जंपिंग की कुक कुक कर और फिर सुबह मैं तंग करती हूं, हमारी लेग्स में पेन हो रही है. गाइस ये ना पूरा दिन जंपिंग करती रहती है. नीचे ना स्प्रिंग वाला मैट्रेस है नीचे रूम में, तो ना ये पूरा दिन वहां पर जंपिंग करती रहती है. और रात को तब ये 2-3 बजे उठती है, इसकी आंख खुलती है, इसकी टांगे दर्द हो रही होती है और होती है, हमें सुबह 6 बजे तक नहीं सोने देती. फिर जंपिंग कर रही थी. सॉरी कर दो. अब हमने इसको चॉकलेट आई है. वाह मीरू, अब चॉकलेट नहीं मिलेगी अगर जंपिंग करोगी तो. बाय बाय. डॉन जी जा रहे हैं सामान लेने के लिए, बड़ा लग पता जाएगा ऊपर आते हुए. ऊपर आते हुए लग पते जाएंगे. दोबारा बोलना जरा, क्या आने वाले? क्या आने वाला है? कमरे का मेरा मिरर. कमरे का मिरर आने वाला है. ये वो मिरर हमारा अभी भी आया है, तो मिरर हो गया है, स्टूल है अंदर, एक दो और चीजें हैं. हाँ जी, बड़े आप भागे भागे नीचे आ रहे थे, यही होना था. मिरू उठा लेगी अकेले. मिरू प्लीज आप उठा लो. तो ये हमने यहाँ पे नीचे ड्राइंग रूम में रखा हुआ था सामान. ये है ड्रॉर मिरर का. कूली 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 ध्यान से मेरी लाइट गई. कूली 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 माँ का कूली कूली. एक तो बच्चों के सामने को वर्ड बोल दो सही. माँ ये तो बस बहुत ही मजदूरी वाला काम था, तो मैं किसी को साथ लगा लेना चाहिए था. किसको? बहुत हैवी है ना साथ. मदद कर लेते मेरी यार, आपको पता है. मैं एक मिनट रुको, एक मिनट रुको. ओए ओए रुको, एक मिनट रुको 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 रुको. देखो मैंने तुम्हारी मदद करा दी है ना, जाओ चले ऊपर आ जाए. यहाँ से मैंने कहा एकदम दिमाग में आया कि मैं एक नाइफ ले जाऊँ, लेकिन ये नहीं लेंगे हम, थोड़ा तेज़ वाली नाइफ लेते हैं. ये वाली सही रहेगी, ये वाली या फिर ये वाली, ये वाली या फिर ये वाली सही रहेगी नाइफ. एक मिनट, निकाली नहीं जा रही मेरे से. गाइस सब कुछ आ गया ऊपर, बड़ी मेहनत की है मैंने, बड़े पसीना आ गया. अगर एसी के नीचे बैठा हूँ आगे, मैंने कहा पसीना पसीना तम हो जाए. तो ये है कंसोल, जो कंसोल ही स्टूल
कंसोल यार वही यार आई फोर कट ये कंसोल ये यार मुंह से फिसल गया मेरे ब्रो ये स्टूल है ये पता नहीं अब क्या मनाहिल का ड्रो है और ये पड़ा हुआ हमारा लेंथ वाला मिरर यार मुझे अब, लग रहा है ये कमरा कंजेस्टेड हो जाए ना चीजों से नहीं अभी वो चेयर ही पड़ी है ना वो चेयर हटाएंगे इसको उतारेंगे इसको लगाएंगे मेरे हाल से यहाँ पे इसको लगाते हैं और ये स्टूल इधर रखते हैं शीशा चेक करते हैं मुझे भी लग रहा है कंजेस्टेड हो जाएगी लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट चेक करते हैं लो जी गाइस सारी अनबॉक्सिंग के बाद कुछ इस तरह के हालात हैं हमारे रूम के मीनू क्या कर रही हो यार इतना मैस हो चुका है अभी ये मैस भी क्लियर करना है और एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है क्योंकि ये मिरर है थोड़ा सा यूनिक क्यों इस तरह से क्योंकि कॉर्नर पे सारे मिरर रख रहे हैं लेकिन ये मिरर जो है ना ये लगना है वॉल पे ये आइडिया मैन ये लगेगा वॉल पे और इसके आगे लगेंगे ये ड्रॉ लगेगा साथ ही स्पेस तो ये बड़ा ही कूल लगने वाला लेकिन मसला एक है कि ये दीवार पे लगना है और मेरे पास ड्रिल नहीं है और इसको किसी को बुलाते हैं अपने किसी दोस्त को फोन करता हूँ वो आ जाएगा हेलो किसी दोस्त को कॉल करता हूँ तो उसे ड्रिल फिल मंगवाते हैं तो ये फौरन है तल्ले करते हैं कहे ले है चलो जो फोन तो करना था फिर कह भी देता हूँ किसी को बुलाते हैं वो भी लग गई सुबह ने बच्चों और कितनी बुरी लगी हुई है मां कल देखो चोट लग गई ओए होए 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 चलो पिकअप बहुत भूख लग रही है मीरू आर यू हंग्री बोल ही नहीं चुक रहे हेलो अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सएप क्या हाल है अल्लाह का शुक्र बहुत साफ सुथरा ठीक ठाक व्हाट्सएप छोटा सा काम कर गया आपसे बॉस दो किल मार रहे ड्रिल दो किल की दीवार पे और कितनी देर में आ रहे कर दूंगा बुला ले आई आप समेटना कैसे है मेरा हाल साहब मैस करी जा रही है ये देख ले देखो इधर ओए बेटा यहाँ पे इतना गंद हो गया था ना कि हमने सारा जो है पीछे टेरेस से जाके बाहर फेंक के वो मिराल अभी लगी फेंकने बाहर मिराल आ जाओ अभी मेरे सारे परफ्यूम्स जो हैं वो सामने वाली वॉल पे जा रहे कसम से ये ऊपर से थर्माकोल है बड़ा मुश्किल है ये और मुझे ना भूख से कुछ हो रहा है वहां से प्लीज आ जाए ड्रिल भी करने के लिए आ रहा है दोस्त पता नहीं क्या कर रहे हैं वो घंटा हो गया मैं कह रही हूँ तारगत तक परफ्यूम्स वगैरह साफ करती हूँ मैं बहुत डस्ट हुई हुई है इनपे ओके फिर हम ये सेट करते हैं ठीक है तो यार गाइज मैं आप लोगों को दिखाना लगा परफ्यूम कलेक्शन जो कि मिनाहिल की है इसमें गिने चुने एक आधा परफ्यूम मेरा निकल आएगा लेकिन बाकी सारे मिनाहिल के पता नहीं कितने हैं और इसमें से एक ये मेरा है सारे नहीं है मेरे एक ये मेरा है और एक ये होगा बस बाकी सारे मिनाहिल के हैं और मिनाहिल बाकी कहाँ पे है हमारे पास और बट साहब आगे कह रहे हैं ये तो सिर्फ तुमने 2 किलो का कहा था और बट साहब छुप गए बट ऊपर से वो टूट गया वो भी ड्रिल आप मारोगे तो बट साहब को मैंने कहा दो सिर्फ किल मारने हैं तो आपका काम हो जाएगा ड्रिल तो लेकिन ये बड़ा औखा काम है बहुत सी शीशा है शीशा दीवार पे लगना है और ये शीशे के साथ फिक्स होना है और ये बड़ा ही औखा काम है लेकिन बट साहब कह रहे हैं मेरे लिए कुछ औखा नहीं है ना बट साहब एसी भी के फिल्टर भी साफ कर दे रहा है ऐसे आने चाहिए भाई कोई काम औखा नहीं होता ऐसे ही है जब पैसे हो गए जब पैसे कमाएंगे जाहिर बात है पैसे आप देंगे आप हमें कहें यार इसको खोल के दोबारा यार जल्दी फिट कर चुके ना खाली भाई चल तुझे बिरयानी के नहीं मिलने तो तू इसके पैसे मांग वो इसको बिरयानी के पैसे नहीं मिलने और इसके पैसे मांग रहा है चलो जल्दी फिट करो बट साहब टाइम नहीं है मगरिब हो गया आपने आगे इतना टाइम लगा दिया पूरा दिन इस पे लग गया हमारा फिर आपने कॉल ही लेट किए तो मैं कितने 4:30 बजे कॉल किया 6:30 हो रहा है क्या हो गया तो मैं फारिक थोड़ी था सारे काम छोड़ के जी जी चलो 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 टाइम नहीं है लो जी बॉस इसका काम स्टार्ट हो गया अब रात भी हो गई अब हम स्टार्ट किए और ये बड़ा औखा काम है वक्त में पड़ गए दाई कसम वक्त में पड़ गए
लेकिन अब इसको तब लगाएंगे ना तब प्यारा लगेगा ना। लेकिन एक मसला हो गया बॉस, वो जो वॉल है ना उसके बिल्कुल सास का ड्रॉ जा रहा है और मिरर आ रहा है बिल्कुल इस कंसोल के साथ, तो ये जरा इशू है, जरा कंजेस्टेड हो जाएगा। लेकिन अब हम सोच रहे हैं टीवी को थोड़ा इधर करवा लेते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे, बस ये जल्दी से लग जाए इसके बाद बाकी सोचते हैं क्या करने। तो गाइज इस टाइम कोई टाइम हो रहा है कि 9:30 बजे और हम तकरीबन कोई 3 बजे के समथिंग फिर होए हैं, 6 घंटे हो गए हैं और फाइनल लुक मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन पहले नाहिल से पूछते हैं कैसी लग रही है। नाहिल बताओ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरा कमरा एलिगेंट लग रहा है, बिल्कुल सिंपल सी है, इतना ज्यादा लग रहा था कि गंद होगा लेकिन नहीं, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है कमरा। दिखाओ जरा आपको, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ शॉर्ट्स में, एक मिनट। हाँ गाइस, अगर किसी को सेम ये इस तरह का मिरर चाहिए, सेम सा ड्रॉ चाहिए, कंसोल चाहिए, तो ये आपको मिलेगा। कंसोल स्टूल यार, कंसोल टाइप नजर आ रहा ना, तो मैं बार बार गलत बोले जा रहा हूँ, तो ये आप लोगों को मिलेगा कहाँ से भला? ब्लैक ओक फर्नीचर स्टेट लाइफ लाहौर में है इनकी आउटलेट, जहाँ के आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। बहुत सेफ पैकेजिंग थी, पैकेजिंग आप लोगों ने देखी है, हालांकि मेरे कितनी देर का रास्ता है यहाँ से, 15 मिनट का, लेकिन उन्होंने फिर भी लेपर्ड के थ्रू भिजवाया है और बड़ा सेफ, सब कुछ सेफ आप लोगों के सामने खोला है। भाई पैकिंग में कोई 2 घंटे लगे थे खोलने में, मैं तो थक गया था। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो ब्लैक होक इंस्टाग्राम पे पेज है इनका, नीचे मैं मेंशन भी कर दूंगा, तो आप लोग भी इसको मंगवा सकते हैं, अपना रूम ऐसा एलिगेंट बना सकते हैं सेम लाइक अस। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक कमेंट सब्सक्राइब और सपोर्ट कर दो सुबह से। और एक बात आप लोगों को बताना भूल गया हूँ, आप लोग सोच रहे हो क्योंकि इधर जो परफ्यूम वाला रैक था वो किधर गया, वो हमने शिफ्ट किया है दरवाजे के बिल्कुल बैक साइड पे, इससे दरवाजे में भी कोई इशू नहीं हो रहा, जैसे मर्जी खोलो बिल्कुल ओके सीन है इसका। तो ये एक परफेक्ट जगह थी परफ्यूम के लिए। और ये वाला बताएं कैसा लग रहा है पार्ट, तो बस इस पार्ट के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे और मुझे लग रहा था कि स्पेस कम होगी, लेकिन स्पेस बिल्कुल ठीक है। ना बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है ये, देख लो बस, बहुत एलिगेंट सा लग रहा है। अच्छा जी सही है, बड़ी मेहनत कर ली है बॉस, इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।